कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। अयोध्या में प्रभु राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी गर्भगृह में मौजूद रहीं। पीएम मोदी, संत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान संपन्न होने के बाद पीएम मोदी राम मंदिर से बाहर आए और उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे लोगों का अभिवादन भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये क्षण अलौकिक है। ये क्षण प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। अब हमारे राम टेंट में नहीं रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर मौजूद हैं। ये समय सामान्य नहीं है, ये काल के कपाल पर अमिट स्मृति रेखाएं हैं। हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने रामलला से क्षमा भी मांगी। कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे।